रोने की आदत ही नहीं भाई, हमें अपने पे भरोसा है, हम अपने पे भरोसा, हम जीते हम हारे, हम रोते नहीं, हम रुलाते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, यार आज की इस वाली वीडियो के अंदर यार बात करेंगे एल्विश यादव और फुकरा इंसान के नए लफड़े के बारे में। अभी देखो यार, आप लोगों को पता होगा कि भाई कल ECL का मैच था, और वो वाला मैच यार मैंने भी देखा था भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एंड तक भाई साहब कुछ कह नहीं सकते थे कि भाई कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन भाई आखिरकार एल्विश यादव की ही टीम जीत गई। वैसे मेरे को लग रहा था कि इस बार फुकरा इंसान की टीम के जीतने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि भाई आप लोगों ने देखा होगा एल्विश यादव की जब बैटिंग आई थी पहली पे तो सिक्स मार के अच्छी ओपनिंग कर दी थी, लेकिन भाई वो दूसरी बॉल पे ही आउट हो गए थे। और भाई फुकरा इंसान की टीम के एक प्लेयर ने तो भाई हैट्रिक ले ली थी आउट करके, तो एक टाइम पे मेरे को लग रहा था कि भाई फुकरा इंसान यहाँ पे जीत सकते हैं, लेकिन जीत भाई यहाँ पे एल्विश यादव गए लास्ट में। भाई लास्ट के ओवर में टक्कर का मैच था, तो कोई बात नहीं, हाँ जीत तो वैसे चलती रहती है, लेकिन आप किसे सपोर्ट कर रहे थे मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना। लेकिन भाई लफड़ा क्या हुआ है, तो आप लोगों को पता हुआ इस मैच के बाद से भाई काफ़ी जो फैंस है भाई वो यूँ बोल रहे हैं कि भाई फुकरा इंसान को हारने की आदत सी हो गई है, पहले बिग बॉस फिर प्ले ग्राउंड, अभी भाई क्रिकेट मैच भी हार गए, तो ऐसे ऐसे मतलब लोग फालतू बोल रहे हैं। तो इसी के ऊपर भाई वैसे भी फुकरा इंसान ने भी एक बात बोली, क्योंकि एल्विश यादव ने कुछ टाइम पहले ये बोला था कि भाई कुछ बंदे अपने टीम के अंदर प्रोफेशनल प्लेयर्स ऐड कर रहे हैं, वो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो। तो उसके बाद से भाई यहाँ पे उसी के ऊपर रिप्लाई देते हुए फुकरा इंसान ने क्या कहा वो आप देखिए। मैं वैसे ये चीज़ें बोलता नहीं, बट मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती है, गगन सबको इक्वल टाइम मिला टीम बनाने का, बिल्कुल ठीक है, सबकी सिले रूल सेम है, सबके लिए ये रूल है कि भाई तीन कंटेंट क्रिएटर्स क्रिकेट वाले होंगे, बिल्कुल सही, बाकी सारे हमारे वो होंगे नॉर्मल कंटेंट, उसके बाद हमारे सारे प्रोफेशनल बाहर कर दिए, हमारी टीम से 8 बंदे बाहर कर दिए, बिल्कुल हमने कभी रोए, बिल्कुल कभी रोने की आदत ही नहीं भाई, हमें अपने पे भरोसा है, हम अपने पे भरोसा, हम जीते हम हारे, हम रोते नहीं, हम रुलाते हैं, हम ये कहेंगे भाई हम कभी रोने वाली आदत, विन एज अ टीम लूज एज अ टीम, बस एक्सेप्ट करो यार भाई, सारी टीम है भाई, आपका ये प्लेयर तो बहुत स्ट्रांग है, ये अबे स्ट्रांग क्या भाई, मेहनत करी 2 महीने, स्काउट करी है बंदों, 2 महीने लेदर से हमने कॉस्को में स्विच करा, जो तुम प्रोफेशनल लगे हुए हैं, बट मेहनत से जीतेंगे भाई। अभी ये कंफर्म नहीं है कि भाई इन्होंने एल्विश यादव को वैसे रिप्लाई दिया, लेकिन भाई जो फैंस है भाई वही यही मान के चल रहे हैं। बाकी अपना भी मुझे ओपिनियन देना कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई आपको क्या लगता है ये वाली लाइन जो एल्विश यादव के लिए या फिर किसी और के लिए, क्योंकि कुछ टाइम पहले भाई एल्विश यादव ने ये सब बोला था जो कि अभी यहाँ पे फुकरा इंसान जिन जिन पॉइंटों को गिना रहे हैं। तो बाकी आप बताना कमेंट करके, और बाकी यार इससे रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट होगा तो भाई तुम्हारा भाई तुम्हें सबसे पहले अपडेट देगा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को भी लाइक कर लेना। तो फिलहाल तो वैसे यार कुछ यही था आज की इस वाली वीडियो में, तो मिलते यार किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।